नमस्कार दोस्तों। तो विकास लाइफ शेयर के बारे में आज बातचीत करने वाले हैं। और कल के दिन की बात करें तो स्टॉक में लगभग 1% की अपर सर्किट देखने मिल जाता है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। छोटा सा वीडियो बस 1-2 मिनट का रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखो और इस वीडियो के माध्यम से हम लाभ बता देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। जो लोग चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलते रहे और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आए, ठीक है। तो आपको जिनको मतलब जिनके बारे में वीडियो बनाना होता है तो कमेंट में मुझे बता दिया करो, मैं उस स्टॉक के बारे में वीडियो बना के आप लोगों से बता दिया करूँगा, ठीक है। तो करीबन कल के दिन की बात करें तो स्टॉक में लगभग आपको पता है 1% की अपर सर्किट देखने को मिला है। और करीबन करीबन बात करें तो स्टॉक में एक लो प्राइस के अंदर स्टॉक ओपन होता है, ठीक है। 5.20 रुपये के अंदर ओपन होता है, करीबन 5.25 हाई है, 5.10 इसका लो है, ठीक है। तो एक टाइम तो लो प्राइस में ओपन होता है, इसके बाद 5.25 रुपये का हाई देखने को मिलता है, 5.10 रुपये के आसपास एक लो भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो क्या स्टॉक के अंदर मोमेंटम क्या रहने वाला है, मंडे के दिन कैसा स्टॉक चल सकता है और इन फ्यूचर में हमारे लिए कैसा सेफ स्टॉक है, क्या हमारा इसके अंदर पैसा सेफ रहने वाला है या नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों मेरे बताने ना बताने यार वो चीज़ें मायने नहीं रखती, आप खुद देख लीजिए। 5 दिन की बात करें, मंथली की बात करें, 6 मंथ की बात करें, साल भर की बात करें और 5 ईयर्स की बात करें, मैक्सिमम की बात करें, कहीं आपको गिरावट नज़र आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, तो स्टॉक डेफिनेटली दोस्तों मेरे बोलने से ना होता, वो आप चीज़ें नोटिस करोगे। आपको पता है कि स्टॉक में कहीं भी गिरावट देखने को हमें नहीं मिलता है, तो डाउन कैसे जा सकता है, तो इसीलिए तो बता रहा हूँ स्टॉक पे नज़र रख लो दोस्तों। जिस दिन उठ गया ना, हाथ में नहीं आने वाला और स्टॉक 10% भागने वाला है, ठीक है। डेफिनेटली दोस्तों भागने वाला है, फिर बोलोगे हमें बाय करने का मौका नहीं मिला। जैसे अभी बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिनके अंदर लोगों को बाय करने का मौका नहीं मिल रहा, अरे वो दिन दूर नहीं है जब इसके अंदर तेज़ी आएगी और ज़रूर आएगी एक दिन। मैं वीडियो बना के हर रोज़ बता रहा हूँ और आएगी जब ज़रूर बता दूंगा। और मंडे के दिन हो सकता है इसके अंदर अपर सर्किट लगने के पूरे पूरे चांसेज है। बाकी देखो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा ना रहा तो ठीक है। बाकी देखो दोस्तों 5 दिन की बात करें तो लगभग हमें 3% लो देखने को मिलता है। इस स्टॉक ने हमारा बनाया कुछ नहीं तो हमारा खोया भी कुछ नहीं, जो कैपिटल अमाउंट है वो हमारा इसके अंदर सेफ देखने को एक तरह से सेफ नज़र आता है, ठीक है। बाकी देखो दोस्तों अभी इस स्टॉक के बारे में जितनी भी हम तारीफ करें ना उतनी ही मुझे कम लगती है, क्योंकि मुझे पर्सनली ये स्टॉक बताऊँ ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि साल भर की भी बात करें लगभग स्टॉक 8 रुपये जा चुका था, 8 रुपये जंप के साथ गया था स्टॉक, अपर सर्किट के साथ और जंप के साथ, ठीक है। उसके बाद में एक लो भी देखने को मिला जो करीबन 3 रुपये से नीचे भी देखने को मिल गया था। और वैसे इसके अंदर मार्केट कैप की बात कर ले तो लगभग 640 करोड़ का मार्केट देखने को मिल जाता है। और करीबन चार्ट पैटर्न आप लोग देख पा रहे होंगे, ग्राफ कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब एक डाउन की ओर संकेत कर रहा है, ठीक है। ग्राफ है जो इसका एक डाउन की ओर संकेत करता देखने को मिल जाता है। बाकी देखो दोस्तों इसकी रोज़ की क्या वीडियो बनाए, जितना जो अपडेट रहता है वो हम इसके अंदर बता देंगे आपको जब भी कोई नई अपडेट आएगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, जो लोग चैनल से नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।